गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका अतुल सर और आप वाचिंग कर रहे हैं डुप्लेक्स करियर पॉइंट। तो चलिएगा, आज हम बनाते हैं स्टोरी को। और हाँ, देख लीजिएगा, स्टोरी चाहे बड़ी हो या छोटी हो, सभी स्टोरीज महत्वपूर्ण होती हैं और यह स्टोरी भी उनमें से एक है। और ये यूपी बोर्ड 2018 में क्लास 10th में पूछी गई थी और हर वर्ष आती भी हैं ऐसी कहानियाँ। तो बहुत अच्छी तरीका से अगर इनको बनाना है तो मेरे साथ ज़रूर बने रहें, देखिएगा कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं आपके साथ, ठीक है। तो राम ने अपने पिता के वचनों का परिपालन किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखा, किसने परिपालन किया, तो हमें उत्तर मिला राम ने। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पहले राम, फिर हमने देखा पीछे पहुंचे, परिपालन किया। परिपालन मतलब, परिपालन का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है ना, पूरा करना क्या। अब वचन आगे बढ़ेंगे, कैप द प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वादा या वचन। राम केप द प्रोमिस, राम ने वचनों का पालन किया अपने पिता की, ऑफ हिज फादर। समझ में आया, मतलब पहले हमें राम का स्पेलिंग लिखना है राम, फिर पीछे से आगे की ओर बढ़ना है। परिपालन किया केप वचनों का, द प्रोमिस की, ऑफ अपने पिता, हिज फादर। राम केप द प्रोमिस ऑफ हिज फादर, ठीक है। अब आगे देखिएगा, वे 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। देखिएगा वे, यहाँ पर स्टोरी बनाने में थोड़ी हमें सतर्कता भी बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वे की जो स्पेलिंग है दे नहीं होगी। अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं कि दे बना देते हैं, और होते भी है, वे की इंग्लिश अंग्रेजी दे होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वे 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। तो वे कौन है यहाँ पर? राम। वे कौन है? राम। और राम आपका सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन में है, तो वे की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी ही। पीछे पहुंचे, देखो पूरा सेंटेंस यहाँ पर है, तैयार हो गए, ठीक है ना। तो हो गए, होना, बिकम, बिकम मीन्स होना। अब गए या ई ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ही बिकेम रेडी, वह तैयार हो गए। फिर वह तैयार हो गए, फिर क्या बच्चा? 14 वर्ष के वनवास के लिए, ठीक है ना। फोर के लिए क्या लगाएंगे आप? फोर। फिर आगे बढ़ेंगे, वनवास, फोर द। अब वनवास क्या होता है? एग्जाइल, एग्जाइल ऑफ, फिर आगे बढ़ेंगे, 14 वर्ष, 14 ईयर्स, है ना, सिंपल बनाना। ही बिकेम रेडी फॉर द एग्जाइल ऑफ 14 ईयर, वह 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। आगे देखेंगे, सीता और लक्ष्मण ने कहा कि वह भी उनके साथ जाएंगे। पहले हम इतना बना लें, सेंटेंस ऑफ द सिक्वेंस है, सेंटेंस ऑफ द सिक्वेंस कहते हैं ना, कि इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं। तो समझ लीजिएगा, सीता और लक्ष्मण, तो यानी कि सीता और के लिए एंड, लक्ष्मण कहा यानी कि सैड, की अंग्रेजी दैट, क्लियर है ना। राम और लक्ष्मण ने कहा, सीता और लक्ष्मण ने कहा, तो सीता एंड लक्ष्मण सैड दैट वह भी उनके साथ जाएंगे। तो वह की अंग्रेजी अब यहाँ ही नहीं बनेगी, वह की वैसे अंग्रेजी क्या होती है? ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, सीता और लक्ष्मण ये प्लूरल में है, बहुवचन में है, तो क्या होगा यहाँ पर? दे। अब जाएंगे तो बिल्ली बनेगा, इसके अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बोर्ड, दे वुड आल्सो गो विथ हिम। समझ में आया,
सीता एंड लक्ष्मण सैड दैट दे वुड गो आल्सो वुड आल्सो गो विथ हिम। ठीक है ना, आसान सा। लेकिन हाँ बच्चों, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर अधिकांशतः बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर वह की अंग्रेजी ही बना देंगे और गागी के आया तो यहाँ पर बुट की जगह बिल लिख देते हैं, यहाँ पर बे की अंग्रेजी दे बना देते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। आप अधिकांशता देखते हो कि परीक्षाओं में आपने पूरा 100 and 100 यानी 70 and 70 का पेपर दिया, 70 में 70 का पेपर दिया और जब रिजल्ट निकलता है तो आप कहते हैं कि हमारे नंबर कम आए हैं। तो समझ में आपको आ रहा होगा कम कैसे हो जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक चीज मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। और डुप्लेक्स जो कोचिंग है ये आपकी बेहतरीन कोचिंग में से एक है। ये ऑफलाइन कोचिंग चलती है बिलाताल में, बहुत अच्छी कोचिंग चलती है, हर वर्ष जिले में स्थान यहीं से निकलता है, ठीक है ना। देखिएगा, राम लक्ष्मण और सीता जंगल को चल दिए। देखिएगा, राम कौमा लक्ष्मण और एंड सीता चल दिए, मतलब बेंट आउट या सेट आउट भी लगा सकते हैं, बेंट आउट जंगल को, बेंट आउट फॉर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी आता है कि यहाँ पर टू प्रीपोजिशंस कैसे आती हैं, आउट और फोर। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बेंट आउट जो पूरा फ्रेज है, बेंट आउट मीन्स होता है निकल पड़े या चल पड़े या चलना, ठीक है ना। और या की ओर, यहाँ पर फोर वर्ड टू वर्ड भी लगा सकते हैं, या मैंने फॉर द फॉरेस्ट लगा दिया, राम लक्ष्मण एंड सीता बेंट आउट फॉर द फॉरेस्ट। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है बेटा, तो आप बिल्कुल निसंकोच कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगली स्टोरी, ठीक है।